गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वी हैव डिराइव एक्सप्रेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो क्या है हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है, सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट्स मीन अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, सेम सॉल्वेंट, और उसमें क्या है दो अलग अलग सोल्यूट डिजोल्व किए हैं लेकिन उनकी मोलर कंसनट्रेशन क्या है सेम है, तो दोनों ही सिचुएशन में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नेचर सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो जो एम की वैल्यू है वो क्या होती है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन W1। W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम इस में पुट कर देंगे तो हमारा डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो बेटा आपके एग्जाम में अगर ऐसे आए कि थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो आपको क्या करना है, आपके डेरिवेशन को यहाँ नहीं छोड़ना है, एम की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ तक लेकर आना है, यानी कि उसमें एम टू हो और डेल्टा टी एफ हो। इन द सेम वे जो बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सप्रेशन था उसमें भी सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ना कि डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम, एम की वैल्यू पुट करके एम टू और डेल्टा टी एफ डायरेक्टली आने चाहिए। और ये हम क्यों करें हैं, क्योंकि हमने डब्ल्यू टू एम टू तो एक्स मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी में कन्वर्ट किया था, उसके लिए ज़रूरी था बेटा, क्योंकि हमें के एफ तब मिलता है जब हम वो सब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, तब हमें के एफ मिलता है। फिर के एफ आने के बाद फिर से आप मोलैलिटी की वैल्यू पुट करोगे और हमें एम टू और डेल्टा टी एफ में रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको बोला जाए डेल्टा टी एफ और मोलिकुलर मास, तो आप एक्सप्रेशन को यहाँ तक लेकर आओगे, फिर ये पुट करोगे और यहाँ छोड़ना है आपको फाइनल एक्सप्रेशन। फिर आप क्या, हमें क्या डिटरमाइन करना है, मोलर मास डिटरमाइन करना है, तो एम टू को हम एक साइड रख लेंगे, बाकी की सब चीज़ों को इधर रख लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। हमें ये एक्सप्रेशंस, ये जो डेरिवेशन के जो लास्ट रिजल्ट हैं, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या है, इन्हीं से निकलेंगे। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक मेथड है बैकमैन मेथड, वो हम पिछले वाले में बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने बताया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम बैकमैन मेथड को यूज़ करेंगे। सेकेंड मेथड है रास्ट कैम्फर मेथड। ये मेथड करने से पहले बेटा मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सेकेंड ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है, थर्ड एक क्वेश्चन है। आप दो लेक्चर के बाद बेटा आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, बड़ी यूनिट है, तो मैं इसका टेस्ट लूँगी, जूम मीटिंग पे टेस्ट लूँगी, तो आप अभी से यूनिट को रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में रिवाइज नहीं हो पाएगी। अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, यानी कि बैकमैन मेथड। ये इसके लिए अपरेटस है बेटा, बैकमैन मेथड के लिए। क्या क्या है इसमें, एक ट्यूब है, ये ए, ये वाली ट्यूब ए ट्यूब है, ये साइड ट्यूब है एस। एस किसके लिए है, सोल्यूट ऐड करने के लिए, सोलवेंट ऐड करने के लिए। ये ऊपर कोर्क लगा है, इसमें फिट क्या हुआ है हमने, थर्मोमीटर। इसमें बैकमैन थर्मोमीटर दिखाया है। बैकमैन थर्मोमीटर हम तभी लेके आते हैं जब हमारा या तो बॉइलिंग पॉइंट आ चुका होता है या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका होता है, उससे पहले हम नॉर्मल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थर्मोमीटर, एक ये स्टिरर है ताकि आपके जो सोलवेंट है या सोल्यूशन है उसको स्टर करता रहे। तो क्या है हमारी ट्यूब ए, उसमें क्या क्या है, साइड ट्यूब एस,
सोलवेंट या सॉल्यूशन फिल करेंगे यहाँ, ये स्टिरर है, ये थर्मामीटर है, इसके बाहर एक और ट्यूब है, ये एयर जैकेट की तरह काम करती है। फिर एक ट्यूब है सी, सी के अंदर हम भरते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, ऐसा फ्रीजिंग मिक्सचर जिसका टेम्परेचर आपके सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से 4-5 डिग्री कम हो। हर सोलवेंट सॉल्यूशन का अलग अलग होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम जिस सोलवेंट में हम अपना सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं उससे ये जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम होना चाहिए, तभी तो हम इसको कूल कर पाएंगे, तभी तो हम सोलवेंट को या सॉल्यूशन को फ्रीज कर पाएंगे। इसके अंदर स्टरर लगाया हुआ है ताकि ये यूनिफॉर्म क्या करे, कूलिंग करे। अब हम क्या करेंगे बेटा, मेथड में क्या करेंगे, पहले ये जो ट्यूब ए है, ये वाला जो ऑपरेटस है, इसको सीधा फ्रीजिंग मिक्सचर में डालेंगे बिना एयर टाइट जैकेट के, ये वाली यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूब ए होगा और आपका फ्रीजिंग मिक्सचर सी होगा, हमारा सोलवेंट प्योर सोलवेंट कूल हो जाएगा, उसमें हमने एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर डाला हुआ है उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर लेंगे। ये क्या आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो आएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट कूलिंग होगी तो सुपर हीटिंग भी हो सकती है, तो आपको एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें क्या लेना है, अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्यूब ए को आपके फ्रीजिंग मिक्सचर से बाहर निकाल लेंगे, इसको मेल्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशन सॉल्वेंट को, और फिर क्या करेंगे, ट्यूब ए को बी के अंदर डालेंगे, और बी के बाद क्या है, सी ट्यूब। बी का काम क्या है, वो एयर जैकेट की तरह काम करता है, फ्रीजिंग मिक्सचर ट्यूब ए में जो सॉल्वेंट है उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग करेगा, यूनिफॉर्म कूलिंग करेगा। यूनिफॉर्म कूलिंग से क्या होगा कि हम जो करना चाह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट लेना चाह रहे हैं, जो आपकी कूलिंग है वो यूनिफॉर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हमने अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट का आइडिया है, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कूल करेंगे। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो -0.5 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया है, तो हम 0.5 से नीचे तक कूल करेंगे। कूल करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, स्टरिंग करेंगे। स्टरिंग करते ही सारा का सारा सॉल्यूशन एकदम से जम जाएगा और टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज क्यों होगा बेटा, स्टरिंग की वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होगा, स्टरिंग सिर्फ कन्वेक्शन क्रिएट करता है यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए। टेम्परेचर राइज होगा हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि 100 डिग्री का वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर बनने के बीच में कुछ देर तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, जब हम सॉल्यूशन को हीट करते रहते हैं, वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि वेपर होने के लिए ज़रूरत है। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न रिलीज़ होगी तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो माइनस जो 5 डिग्री है, -0.5 डिग्री है, उससे आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री। हमने -0.5 डिग्री तक क्यों कूल किया है, क्योंकि अगर हम 0 डिग्री पे कूल करते, वो बनना स्टार्ट हो जाती है, स्टरिंग नहीं करते, तो क्या होता, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न निकलती और 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता, कुछ जो सॉलिड बना है वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता था। तो हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म कूलिंग करनी है, सारा का सारा मिक्सचर एकदम से कूल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है उसके टेम्परेचर को -0.5 डिग्री तक कूल करके रखेंगे सॉल्वेंट, और फिर एकदम से विग्रस स्टरिंग करेंगे, उससे क्या होगा, ये जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का हमारा, मान लीजिए वाटर है तो सॉलिड बन जाएगा, अगर कोई और सॉल्वेंट है तो वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या डाला हुआ है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, जब हमारा फ्रीज हो गया है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया है, तो हम उसको निकाल लेंगे और बैकमैन थर्मोमीटर डालेंगे, और उस टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, रिजर्वायर का यूज़ करके, बल्ब बे का यूज़ करके, हम ऊपर मर्करी का जो लेवल है ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे, क्योंकि डिप्रेशन होगा सॉल्यूशन का तो कहीं नीचे आएगा चेंज। फिर हम इस ट्यूब को, ए ट्यूब को निकाल लेंगे
आपका जो सॉल्वेंट है उसको मेल्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आप सोल्यूट डाल देंगे। सोल्यूट डालने के बाद उसकी परफेक्ट मिक्सिंग करेंगे ताकि होमोजेनस मिक्सचर बन जाए, और फिर उसको सेम मेथड से जैसे सॉल्वेंट का हमने फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, सॉल्यूशन का निकालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अटेन हो जाएगा तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर को निकाल के बैकमैन थर्मोमीटर डाल लेंगे, और फिर देखेंगे कि जो मरकरी का लेवल है वो कितना नीचे तक आता है उस मरकरी के लेवल के डिफरेंस से, कि सॉल्वेंट के केस में कितना था, सॉल्यूशन के केस में कितना था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्यूशन का हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम रास्ट मेथड। रास्ट मेथड में क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम कैम्फर यूज़ करते हैं। कैम्फर को पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मेल्ट कर लेते हैं, और उसका क्या करेंगे हम कैपिलरी में जब उसको मेल्ट करेंगे तो थर्मामीटर बाइंड कर देंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लेंगे कैम्फर का। फिर कैम्फर में सोल्यूट डाल देंगे, सोल्यूट डालने के बाद क्या होगा, फिर से उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसको यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिक्सर बनाएंगे, पहले हीट करके बिल्कुल परफेक्ट यूनिफॉर्म मिक्सचर, फिर उसको कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद उसका फिर से हम सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम चीज़ है, प्रोसेस अलग है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करते हैं, हम लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, और मेल्टिंग में क्या करते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड बनाते हैं। पॉइंट्स दोनों ही सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हमें सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का डिफरेंस पता चल जाएगा, और फिर हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। रास्ट मेथड को हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि कैम्फर के लिए जो के एफ की वैल्यू है वो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस, जो फिर उसके बाद मोलैलिटी की यूनिट। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है के एफ। अगर आपने 1 मोलल सॉल्यूशन बना दिया, यानी कि 1 मोलल जो 1 मोल सॉल्यूट आपने 1 kg कैम्फर में डाल दिया, तो जो डेल्टा टी एफ है वो कम से कम 40 आएगा, 40 आएगा। तो हम उसको नॉर्मल जो थर्मामीटर है उससे भी निकाल सकते हैं, हमें बैकमैन थर्मोमीटर की, हाईली प्रिसाइज थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल थर्मोमीटर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम ये है कि मेथड में हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, कैम्फर यूज़ करते हैं, तो सब सब्सटेंस कैम्फर में सोल्यूबल नहीं है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है कि हम हर सोल्यूट के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। इनफ फॉर टुडे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नॉर्मल मासेस करेंगे। थैंक यू।